हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में आपके लिए लेके हैं मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 16/9 टू द पावर 1.5x इक्वल टू 0.75, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना था। चलिए वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ, ओके, हमारा आंसर क्या आता है एक्स का वैल्यू। तो इस वीडियो को देखने के लिए, आंसर देखने के लिए, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 16/9 होल टू द पावर 1.5x इक्वल टू 0.75, यही हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये ऐसे लिखेंगे 16/9 होल टू द पावर, ये ऐसे यहाँ से डेसिमल रिप्लेस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15/10, ये x रहेगा इक्वल टू, यहाँ पे भी डेसिमल रिप्लेस करेंगे, 1 के बाद डेसिमल 2 डिजिट है तो 1 पे 20, यानी 100 हो गया, 0.75 हो गया, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 75/100 हो गया, अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/9 होल टू दी पावर 5 3 15, 5 2 10, यानी 3/2x इक्वल टू, ये 25 के टेबल में 3 टाइम्स में 25 4 100, ओके, यानी 3/4 आ गया, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये यहाँ पे ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पे 4 ये स्क्वायर 3 का होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हमको इस फॉर्म में लिख दिए, स्क्वायर हो गया ये होल टू दी पावर 3/2x इक्वल टू 3/4, ओके, यहाँ पे तो 1 है पावर में, ओके। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, 4/3 हो गया, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3/2x, ओके, इक्वल टू 3/4 हो गया, ये पावर में जो 1 है 1 ऐसे ही रहेगा, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, अब यहाँ 4/3 हो गया, ये क्या हुआ हमारा, कैंसिल हो गया, कट गया, तो बच्चा हमारा क्या 3x, ओके, इक्वल टू, अब यहाँ पे इक्वल टू ये 3/4 है तो हम इसको जस्ट रिवर्स करेंगे, 4/3 लिखेंगे, यहाँ पे -1 क्योंकि रिवर्स किए हैं तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि ये इसको हम चेंज करेंगे तो इस फॉर्म में माइनस, जैसे 4/3 होल टू पावर -1 है तो इसको हम चेंज करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, ओके, यहाँ पे 4/3 है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस फॉर्म में रखा, ओके। बेस हमारा क्या हो गया, बेस इक्वल पावर डिफरेंट है तो हम बेस को छोड़ देंगे, पावर को लिखेंगे 3x = -1, ओके, 3x = -1, मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ x x का वैल्यू निकालना है तो x = यहाँ पे -1 है तो -1 हो गया, ये 3 इंटू में है, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1 हो गया, यानी x का वैल्यू क्या आया, -1/3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ओके। आई होप कि आपको मैंने जो भी आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।